गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मॉड एक्स वाला अगर रहेगा कोई फंक्शन, तो वो डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे होगा और किस पॉइंट पे नहीं होगा। उसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। Prove that यह जो सिंबल है यह होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और 3। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ 1 और 2, वैसे ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इससे पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। इसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहले समझा देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट फंक्शन व्हिच गिव्स only the integral value, ऐसा फंक्शन जो हमें सिर्फ क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यू को देता है, व्हिच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी वैल्यू देगा वो इंटीग्रल वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू देगा ये वो इंटीग्रल वैल्यू देगा। अब इंटीग्रल वैल्यू में भी कौन सा वैल्यू देगा, इसके बारे में बात करेंगे। इंटीग्रल वैल्यू में देगा जो इससे छोटा हो और जो इससे इसके नजदीक वाला हो, यानी जो इससे छोटा भी हो और इससे नजदीक वाला भी हो। नजदीक का मतलब क्या हुआ, उसके नियरेस्ट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे आपको कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। मेरा मन हुआ यहाँ पर 1.1 रखने का। ठीक है, तो हम एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, 1.1 रखेंगे। ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल में है। डेसिमल मतलब क्या हुआ, दशमलव, यानी पॉइंट वाला। तो ये डेसिमल वैल्यू है, इंटीग्रल नहीं है। तो 1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए, देखिए नाम है क्या, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन इसका काम होता है छोटा वाला। नाम में लगा हुआ है ग्रेटेस्ट, लेकिन काम करेंगे इससे छोटा वाला। कैसे, तो 1.1 में इसके नियरेस्ट देखिए कि क्या क्या इंटीजर है। 1.1 से छोटा इंटीजर क्या है, 1 है। 1.1 से बड़ा इंटीजर क्या है, 2 है। अब इस 1 और 2 में हम कंपेयर करते हैं, 1 और 2 में कंपेयर करते हैं, 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1.2 रहेगा, तो उसका भी वही बात होगा, यानी 1.2 जब रहेगा उसका, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 ही यूज करेंगे। अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू जैसे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और हम एक्स के जगह पर रखते हैं -3.9, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.9, और ये हो जाएगा -4।
ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस फोर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं, अब थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ देखना जरूरी है, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, वन टू थ्री फोर, वन टू इस तरह से ले सकते हैं। अब एक बात देखिएगा, अभी हम बताए थे अगर x का वैल्यू जीरो से बड़ा हो और वन से छोटा हो, जीरो से बड़ा बराबर या वन से छोटा हो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे 0.1 लेंगे तब पर भी जीरो मिलेगा, 0.2 लेंगे तब पर भी जीरो, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 तक सबका आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी अगर हम ग्राफ पर देखें कि अगर यहाँ पर क्या है, जीरो पर क्लोज इंटरवल है तो जीरो पर क्लोज इंटरवल कीजिए, लेकिन वन पे जाकर के ओपन इंटरवल, वन पे जाकर के क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल, तो वन पे इसका हम ओपन इंटरवल कर दें, तो इस सबका आंसर क्या मिलेगा हमें, जीरो। ये सब कैंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यहां तक हो गया। अब हम एक्स का वैल्यू क्या करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं और टू से नीचे, लेस देन टू, टू से नीचे रहेंगे हम, तो वन से बड़ा या बराबर और टू से जस्ट नीचे रहेंगे, सब कैंसर क्या मिलेगा हमें, वन। इसका अर्थ ये हुआ कि वन पर क्लोज इंटरवल है, टू पर ओपन इंटरवल है, तो वन पे अब हम क्या कर देंगे, क्लोज इंटरवल, और टू पर जाकर के क्या कर देंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो वन पर क्लोज इंटरवल होगा और टू पर ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंटरवल जहां पे आपको वैल्यू नहीं लेना है, उससे पहले तक लेना है, लेकिन उस वैल्यू को उस पॉइंट को टच नहीं करेंगे। तो वन से टू के बीच में रहेगा तो क्या होगा आंसर, वन। तो देखिए वन यहां पे है, यानी यहां से लेकर के यहां तक इस सब का वैल्यू क्या होगा, वन के बराबर होगा। फिर से देखते हैं, अगर 2 से बड़ा या 3 के बीच में होगा तो आंसर क्या होगा, 2। फिर यहाँ पर 2 पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। फिर 3 पर जाकर के क्या होगा, ओपन इंटरवल, सबका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, सबका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 3 से स्टार्ट करें, 4 तक जाएं, ये सबका आंसर क्या होगा, 3। फिर क्लोज इंटरवल रखेंगे 3 पर, 4 पे जाकर के ओपन इंटरवल, सबका आंसर क्या होगा, 3 के बराबर। तो ये था 2 के बराबर, अब हम ये 3 के बराबर। तो देखिए जब हम इसका ग्राफ देख रहे हैं, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल, उसके बाद फिर ओपन इंटरवल, यानी जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सिर्फ 1 और 2 पर आपको चेक करना है, लेकिन हम आपको पहले भी बताए थे कि 1 और 2 का बात नहीं होता है, दुनिया का कोई भी इंटीग्रल पॉइंट रहेगा वहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 पे भी ओपन इंटरवल है, 2 पे भी ओपन इंटरवल है, 3 पे भी ओपन इंटरवल है, 4 पे, यानी पहले तो क्लोज इंटरवल होता है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में सारा का सारा क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इस प्रकार से ग्राफ से ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ग्राफ के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में तो खैर सिर्फ 1 और 2 पे पूछा हुआ है, तो 1 2 पे तो आप लिख ही सकते हैं, तो इसके बाद दुनिया का कोई भी इंटीग्रल पॉइंट होगा तो वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी डाले हुआ है, और डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में भी डाले हुआ है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, द फंक्शन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट continuous at any
इंटीग्रल पॉइंट, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन एंड टू। तो इस तरह का बात है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है और ना ही डिफरेंशिएबल हो सकता है।